नमस्कार, आपका स्वागत है राजनामा टीवी पर। मैं पूनम आपके साथ। भारत आ रहे एक जहाज पर शनिवार को लाल सागर में मिसाइल अटैक हुआ है। इसकी जिम्मेदारी यमन के हूती विद्रोहियों ने ली है। जहाज का नाम एंड्रोमेडा स्टार बताया गया है। ये तेल लेकर भारत आ रहा था। शिप के मास्टर ने जानकारी देते हुए बताया है कि हमले में जहाज को मामूली नुकसान पहुंचा है। अमेरिकी सेना की सेंट्रल कमांड के मुताबिक घटना शुक्रवार शाम 5:49 पर हुई। जहाज ब्रिटेन का है, जिस पर एंटीगुआ और बारबाडोस का झंडा लगा था। अटैक के बावजूद जहाज अपने रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। इसने रूस के प्रिमोस्कर्स से यात्रा शुरू की थी और ये गुजरात के वाड़ी नार पहुंचने वाला था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत आ रहे जहाज पर 2 बार हमले हुए। इस दौरान हुतियों ने कई मिसाइलें दागी। हालांकि पहले हमले में दागी गई मिसाइलें जहाज पर न गिरकर उसके नजदीक समुद्र में गिरी। दूसरे हमले में जहाज को नुकसान पहुंचा। लाल सागर में जहाज पर हमला कई दिनों की शांति के बाद अचानक हुआ है। इससे पहले इसराइल के साथ तनाव के बीच ईरान ने भारत आ रहे एक जहाज को होर्मुज पास से कब्जे में लिया था। ईरान ने कहा था कि वे बिना मंजूरी उनकी समुद्री सीमा में घुसा था। जहाज के क्रू मेंबर्स में 17 भारतीय और 2 पाकिस्तानी भी थे। ईरान ने पाकिस्तान के 2 नागरिकों और भारत की एक महिला क्रू मेंबर को छोड़ दिया, जबकि बाकी 16 भारतीय अभी भी ईरान की कैद में हैं। हुतियों ने शुक्रवार को सिर्फ भारत आ रहे जहाज ही नहीं बल्कि अमेरिका के MQ-9 रिपर ड्रोन को भी अपना निशाना बनाया। हुतियों ने यमन के सादा प्रोविंस में ड्रोन को मिसाइल अटैक से मार गिराया है। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।